Assalamualaikum everyone, this is Saba Zain, and one of the most asked question about CSS by the people who do not know what is CSS is actually what is CSS. So in this video I'm going to give you a detailed explanation of what is CSS and what's its scope, what are the occupational groups, but the most important thing that I'm going to tell you in this video is the importance of CSS, which is less talked about. ठीक है, मतलब बताते हैं कि यार CSS है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कमीशन है और पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है. ठीक है, why this exam is particularly the most prestigious exam in the country and why it is given that much importance in the society, तो उस पर बात करेंगे. तो पहले तो जो है आप ये देखें कि CSS इट्स स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम. ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब है कि आप कॉम्पीट करते हैं इसमें, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है. ये एग्ज़ाम जो है डिज़ाइन किया गया है इसलिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स हैं, उनको रिक्रूट किया जाए किस चीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज पोस्ट्स के लिए इन दी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी. सिविल सर्विसेज क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी मेरे ख्याल में जितनी मैंने वीडियोज़ एक्सप्लोर की हैं सो फार इंटरनेट पे कम ही बात की गई है इसमें. तो जो इन दो चीज़ों का जो मतलब है और इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने के अलावा जो है आप CSS को इस तरह भी देखें कि इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन शेपिंग द लीडरशिप एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, क्योंकि इसमें टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को जो की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होती हैं उनके लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो एक गेटवे है टू अ करियर इन पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और फॉर्म करता है कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को. तो इसको, इस एग्ज़ाम को आप इस तरीके से देखें. ठीक है, सेकंड बात जो मैंने आपको कही थी कि जो किसी ने अभी बहुत कम लोगों ने शायद एक्सप्लोर की हो, लेकिन आई वांटेड टू गिव लाइक इट मोर वेटेज, उसको मैं ज़्यादा देना चाहूँगी, उसकी इंपॉर्टेंस पे ज़्यादा बात करना चाहूँगी. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो नोबडी टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ CSS. बस सबने ये कहा था कि हाँ CSS है, ये है, वो है, जैसे मतलब करते हैं यू नो कि इतना बड़ा एग्जाम एंड ऑल दैट. तो पहली बात तो आप ये समझें कि अब मैं इम्पोर्टेंस पे बात कर रही हूँ CSS की. ठीक है, पहली बात तो आप ये समझें इसकी सिग्निफिकेंस पे कि CSS एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है. ठीक है, उसमें 100% मेरिट चलता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंश्योर किया जाता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी बेसिस पर जो है आपको सिलेक्ट किया जाए, ना कि आपके पर्सनल कनेक्शंस पर, ना कि आपकी वेल्थ पर, और ना कि जो एक्सट्रेनियस जो फैक्टर्स हैं उनकी बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाता है. एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है जो प्रमोट करता है फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को, और सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है. क्योंकि जो CSS से सिलेक्ट लोग होके आते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट्स कहा जाता है, जिनकी मतलब अगर वो मेरिट पे सिलेक्ट होके आते हैं तो ऑब्वियसली पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पे ज़्यादा जो है होता है. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट द CSS एग्जामिनेशन इज दैट इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड विद मेरिट बेस्ड सिलेक्शन. ठीक है, दूसरी बात जो है CSS इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस जहाँ पे इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी जो है उसको इम्पॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू. ठीक है, तो उसमें कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ये इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत पार्ट प्ले करती है. इसीलिए आप जो काम करते हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट उसमें इंटीग्रिटी होती है बहुत ज़्यादा. आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे होते हैं ऑन डेली बेसिस विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस. ठीक है, और
जो है डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एग्ज़ाम हों। तो ये जो एक बेसिकली एग्ज़ाम है ये बेहतरीन लोगों को ले आता है विदाउट एनी पार्शलिटी एंड विद द न्यूट्रलिटी फॉर मेकिंग द पब्लिक पॉलिसीज एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज पब्लिक पॉलिसीज। उसके अलावा जो है इस एग्ज़ाम में जो है जो हम करियर वाइज जो है बहुत सारी जो एक बेनिफिट देखते हैं सी एस एस में वो ये होता है कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव ये जो जैसे सी एस एस है वो एक जो है ना एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई देता है क्वालिटेटिव कैंडिडेट्स की किसको गवर्नमेंट को ठीक है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के लिए। और एक तो इसमें जो है करियर जो है वो भी है कि आपके पास आप जब सी एस एस के थ्रू सिलेक्ट होकर जाते हैं तो एक करियर आपको मिलता है उस करियर के साथ एक लाइफस्टाइल भी मिल रहा होता है जो कि लाइफ लॉन्ग एंड बीइंग वर्किंग एज दी यू नो फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इज इटसेल्फ अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। तो एक तो स्टेबिलिटी आ जाती है करियर में कि आपके पास एक अच्छी जॉब है विच इज़ पेइंग यू वेल यू हैव अ सोशल प्रेस्टीज यू हैव अ फेस वैल्यू इन सोसाइटी एंड ये मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आप कंसिडर भी कर रहे होते हैं जब आप सी एस एस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो करियर वाइज स्टेबिलिटी भी है और कॉन्टीन्यूटी भी है। और दूसरा कि आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जब आप जाते हैं तो आपके पास एक एक्सपर्टीज और आ जाती है और कॉन्टिन्यूटी एज इन द सेंस ऑफ गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज वो होती रहती है जब क्योंकि ये हर आए साल जो है ये एग्ज़ाम जो है होता रहता है जिसमें सिलेक्शन की जाती है। दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है भाई मुझे नहीं पता कि दूसरे जो जॉब्स हैं उसमें कितने मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली आपको हर जॉब में आप आंसरेबल होते हैं आप वो करते हैं आंसर्स अपने एम्प्लॉयर को लेकिन यू नो व्हेन यू आर चूजिंग सी एस एस एज योर करियर तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो डबल हो जाती है क्योंकि एक तो आप अकाउंटेबल हैं किसको फेडरल गवर्नमेंट को फॉर द ड्यूटीज दैट यू आर डूइंग एक आप उसको हैं दूसरा आप अकाउंटेबल हैं किसको लोगों को क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आप जो भी सर्विसेज देंगे अगर आप उनमें लैक कर रहे हैं कहीं पे गैप्स आ रहे हैं देन यू आर अकाउंटेबल टू पीपल एज वेल। सो देयर इज़ अ डबल अकाउंटेबिलिटी व्हेन यू आर चूजिंग सीएसएस एज अ करियर। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर अपनी कोई ड्यूटी करूँ तो उसमें मैं अकाउंटेबल रहूँ लोगों को अकाउंटेबल रहूँ खुद को और अकाउंटेबल रहूँ उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। तो इतनी जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो ट्रांसपेरेंसी भी उसके साथ ही आ जाती है इन अ सेंस कि जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं यू नो उसमें आप जो है बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट होके और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। तो मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगती है इन चूजिंग सी एस एस एज अ करियर एज ऑफ इफ़ यू आस्क मी माई ओपिनियन। दूसरा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में आप देखें कि मतलब ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाइवर्स फील्ड से पिक कर रहा होता है। आपको सी एस एस में एक मजदूर का बेटा भी मिलेगा आपको सी एस एस में वो भी मिलेंगे जिनकी पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेट है आपको वो भी लोग मिलेंगे बेचारे जो कभी किसी मतलब उनकी 7 generations ने किसी ने नहीं की हो सी एस एस तो वो आ जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने मतलब देखी होंगी कुछ के यू नो देर वॉज यू नो वी फर्स्ट गोट थ्रू दिस एग्ज़ाम वी गोट अ फर्स्ट हिंदू ASP और उसके अलावा एक अभी क्रिश्चियन आई थिंक लड़की थी उन्होंने भी असिस्टेंट कमिश्नर बनी वो ऊपर से जो है एक डिफरेंट जो है वेरीड नॉलेज के साथ लोग आ रहे होते हैं जैसे गवर्नेंस है इकोनॉमिक्स है डॉक्टर्स आ रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से लोग आ रहे होते हैं बाहर से पढ़ के लोग सी एस एस ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज के साथ जो लोग आ रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी में अपना नॉलेज पूल लेकर यहाँ इस एग्ज़ाम में एंटर कर रहे होते हैं तो आपके पास वैसे ही एक जो ओवरऑल मतलब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है आपका वो एक अच्छा बिल्डअप हो जाता है कि ऐसे लोग जो डिफरेंट और वेरिड फील्ड्स हैं डिफरेंट नॉलेज रखते हैं डाइवर्स एक कल्चर बिल्डअप करता है ये एग्ज़ाम। तो ये भी बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ डाइवर्सिटी। दूसरा
बहुत ही ब्राइट, मैं ये नहीं कह रही कि ब्राइट इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो एजुकेशन में बड़े ब्राइट रहे हों, बहुत सारे ऐसे छोटे गांवों से और यू नो वहाँ से, मी बीइंग फ्रॉम अ वेरी रिमोट एरिया ऑफ तालका तंगवाणी, तो मैं कहती हूँ कि ये जो इतना, ये जो CSS एग्ज़ाम है ना, वो उन छोटे छोटे से शहरों से और छोटे छोटे से गांवों से और तहसीलों से लोग उठा के लाता है, तो एक टैलेंट और एक ब्राइट जो होती है ना, उनको लोगों को उठा के लाता है, जो फ्रेश आइडियाज़ रखते हैं, जो कुछ अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन रखने की जो है वो एस्पायर करते हैं जिसके लिए। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो यू नो यू विल फाइंड पीपल हु आर वेरी इनोवेटिव, हु आर क्वाइट ओपन टू एम्ब्रेसिंग चेंज एंड हु आर वेरी मच ओपन टू यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशन, न्यू यू नो यू कैन से पॉलिसीज के या फिर चेंजेस जितने भी आते हैं। तो अब देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना, आपके इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं और इतनी रेडियली किसी चीज़ को अकोमोडेट करना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग आते हैं जो इतना कुछ देख के हैं, इतनी मेंटल रेजिलियंस वाले लोग आते हैं कि उनके लिए इन चेंजेस को अकोमोडेट करना इतना मुश्किल नहीं होता, एंड दैट व्हाट मेक्स सिविल सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम अदर करियर्स। तो मुझे एक ये बात भी बड़ी अच्छी लगती है कि अकोमोडेटिंग लोग ले आता है कहीं ना कहीं से, यू नो पूरे पाकिस्तान से, और स्किल्स उनकी डिफरेंट होती हैं, नॉलेज डिफरेंट होती हैं, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी इनरिच कर देती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पूल को और गवर्नमेंट की कैपेसिटीज़ को बढ़ा देती है कि वो एड्रेस कर सके कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को और इफ़ेक्टिवली मैनेज हो सके पब्लिक अफेयर्स। तो ये मैं इस तरह से इस एग्ज़ाम को देख रही होती हूँ कि मुझे इस वजह से ये जो है अच्छा लग रहा होता है। दूसरा के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ, ये तो मैं खैर ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रही हूँ, बट एज फॉर एन एग्ज़ाम, जब आप देखें आप जहाँ आपको पब्लिक के साथ डीलिंग करनी है, इन CSS एक ऐसा करियर है जहाँ पे आपको बहुत जो है वास्ट एक्सपोजर मिलता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके सामने आपकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, उनका इस इंस्टीट्यूशन पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम किसी ऐसे एग्ज़ाम, किसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स लाएं जो जिन पे लोग जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो हैं वो ट्रस्ट करें। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी है कि क्योंकि एक मेरिट बेस्ड, जैसे मैंने पहला पॉइंट कहा था कि मेरिट बेस्ड है, तो पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा बिल्ड कर सकता है ये एग्ज़ाम अदर यू नो एज़ कम्पेयर टू द अदर एग्ज़ाम्स इन द कंट्री। बाकी जो मेजर ब्रेकडाउन ऑफ द क्वेश्चंस है वो ब्रेकडाउन ऑफ द क्वेश्चंस कर देते हैं। सबसे पहले ये होता है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि CSS क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच एम्स टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर द ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस इन द फेडरल गवर्नमेंट, और ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और हायर लेवल पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट में उसके लिए। अब स्कोप क्या है, स्कोप ये है कि एक तो आप जब ये सिलेक्ट करते हैं CSS, तो उसमें आपको वेरियड नॉलेज जो है वो गेन हो रही होती है बहुत ज़्यादा, जो आपके पहले चीज़ें जो आपके नहीं गुजरी होती आपके माइंड से वो चीज़ें आ रही होती हैं, तो दैट्स वन थिंग। स्कोप ये भी है कि इसमें बहुत सारी करियर चॉइस आपको मिल जाती है, वास्ट करियर चॉइस है आपके पास 12। इस पर भी हम आते हैं कि इसके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कितने हैं, लेकिन करियर चॉइसेस बहुत वास्ट हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को किसी इंस्टीट्यूशन में काम करना है, तो वो आपके पास करियर चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। और एज लिमिट क्या है, अब देखें जी, वैसे तो आप डिपेंडिंग कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, जनरल कैंडिडेट्स होती हैं उनकी एज 21 to 30 जो है वेरी करती है, लेकिन कभी कभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज में लोग होते हैं जो एथनिक ग्रुप से होते हैं या फिर रिलीजियस जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं या फिर डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए फिर एज रिलैक्सेशन जो है वो दे देते हैं वो लोग। ठीक है, और जो है उसके अलावा ये कहते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए CSS करने के लिए, तो जी आप BA की बेसिस पर, बैचलर्स जो होता है हमारा उसकी बेसिस पर भी आप CSS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, विच मीन्स दैट यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री विथ यू व्हेन यू आर सिटिंग इन द CSS। सो हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द CSS,
ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है. वेल देर आर 12 सब्जेक्ट्स इन दी सी एस एस, सिक्स ऑप्शनल्स होते हैं जिसमें आपके इंग्लिश तो कंपलसरी है जो प्रिसीज होती है एंड एसेज. उसके अलावा जो है आपकी जनरल नॉलेज होती है जिसमें आपके पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं और जनरल साइंस एंड एबिलिटी. अभी जो तीन सब्जेक्ट्स हैं उनके कलेक्टिव मार्क्स जो होते हैं उन पे आपको पास किया जाता है. उसके अलावा आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ हैं. ये जो हैं सारे जो हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं सिक्स. उसके अलावा आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसके जिसके लिए आपको ग्रुप दिए जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. तो उसमें एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है जैसे पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, मोस्टली ऑप्टेड अकाउंटिंग्स और इस तरीके के कुछ जो हैं वो भी जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. उसमें 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट एक अच्छी प्रोवाइड करते हैं चॉइस के लोग चूज कर सकें अपने सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज दैट दे हैव. जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, दूसरी लैंग्वेजेस हैं. अच्छा, लैंग्वेजेस एक बहुत अच्छा एक फ़ायदा मुझे जो लगता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में CSS के, वो ये कि ये लैंग्वेजेस का भी एक ऑप्शनल प्रोवाइड करती है कि आप एज अ लैंग्वेज एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल रख सकते हैं. उसके अलावा सोशल साइंसेज में बड़ा स्कोप इसका है कि जेंडर स्टडीज़ भी डाल दिया है, एंथ्रोपोलॉजी भी डाल दिया है, सोशियोलॉजी भी है एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल डिपेंडिंग अपॉन यू नो द पास्ट डिग्री जो आपके पास है उसकी बेसिस पर भी आपके नॉलेज इंटरेस्ट पर भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट फॉर जस्ट एन इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग यू दैट इट हैज़ 12 सब्जेक्ट्स ओवरऑल. 6 आर ऑप्शनल एंड 6 आर कंपल्सरी. ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कितने हैं? जी, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी जो हैं वो 12 हैं जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है PAS, ठीक है. उसमें दूसरा PSP है विच इज़ पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज, और है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान विच इज़ FSP, एंड देन देर इज़ कस्टम्स एंड एक्साइज ग्रुप. और उसके अलावा भी जो हैं और जैसे इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पोस्टल सर्विसेज हैं, रेलवे सर्विसेज हैं, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट है और दूसरे ग्रुप्स जो हैं मौजूद हैं. यानी 12 टोटल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जो जहाँ से आपको वेरिएड एक करियर चॉइस मिल जाती है कि आप कभी पुलिस में जाना चाहें तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इसे, किसी को कस्टम में जाने का शौक होता है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं इसे. सो इट हैज़ ओवरऑल एंड 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स. तो ये एक इंट्रोडक्शन था किसका, CSS का. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग CSS तो डू आस्क मी, आई आंसर देम. एंड बाकी मेरा मकसद जो मेन था उसको ये नहीं था कि आपको एक ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन दिया जाए. आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ CSS कि आप अगर कर रहे हैं ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या फ़र्क है, सिग्निफिकेंस इसकी इतनी ज़्यादा दूसरों से क्यों है. तो मुझे इस पर ज़्यादा बात करनी थी एंड आई थिंक आई हैव लाइक गिवन यू अ फेयर आइडिया ऑफ इट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.